गुड इवनिंग सभी साथियों, बहुत सारा प्यार नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटी की कक्षा में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो संसद, ठीक है, वो है संसद। ये जो संसद है आपका यूपी ट्रिपलसी पेट, यूपीएसआई और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है सबके लिए एफिशिएंट है, ठीक है। तो सभी साथी बहुत जुड़ चुके हैं फटाफट, हाँ जितने भी लोग नहीं जुड़े फटाफट जुड़ जाओ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन दिन मेरी क्लास ऐप पर आपको लाइव मिल रही है, अभी और दिन भी बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे कोर्स बहुत तेजी से खत्म करना है, ठीक है। बाकी सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा लाइव पढ़ने में। वर्षा गुड इवनिंग, अविनीत नमस्कार, अमन, दिव्या, बेटा मैं बढ़िया हूँ, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए सब बच्चे आ चुके हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा। तो देखते हैं भैया संसद के बारे में, बहुत ध्यान समझिएगा भाई साहब, जो संसद है ना, संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। और संविधान में जो अगर मैं बात करें संसद का उल्लेख कहां से कहां तक है तो आप बता सकते हो 79 से 122 तक, मतलब आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक का जो है संसद का उल्लेख है। नीलकंठ दुबे मैराथन चलाई, बिल्कुल मैराथन चलाई, क्यों परेशान हो, थोड़ा टाइम दो, रमने दो सब बच्चों को, है ना। चलिए मीनू तिवारी गुड इवनिंग बेटा, अंशुल कुशवाहा, राधे राधे, दिव्या सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी, थैंक यू, लव यू। 79 से लेकर 122 तक का संसद का उल्लेख है, मतलब पार्लियामेंट। अभी मैं बहुत प्यार से बात करूं, बहुत दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। एक तो पूछी जाती है लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं, लोग पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं, लोकतंत्र का घर। तो आपको याद रखना है जो लोकतंत्र का घर कहते हैं वो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। उससे भी बड़ी बात बता दें, फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है विश्व की सबसे पुरानी संसद, विश्व की सबसे पुरानी संसद। तो विश्व की सबसे पुरानी संसद का नाम क्या है? विश्व की सबसे पुरानी संसद का नाम है एलविंजी, एलविंजी। और एलविंजी संसद जो है कहां की है तो याद रखिएगा आइसलैंड की है। किस देश की? एलविंजी आइसलैंड की, ठीक है। और यहीं पे मैं बताना चाहता हूं बहुत अच्छे से, स्ट्रेटजी के भी कवर करते चलो, स्विट्जरलैंड की अगर कैपिटल की बात कर ले तो आप बता देना बर्न होती है, क्या होती है? बर्न होती है। आइसलैंड की राजधानी की बात करें कैपिटल की तो याद रखिएगा रिकजोइक होती है, रिकजोइक, क्लियर है, इतनी बात याद रखिएगा। बहुत प्यारे प्रश्न है दोनों, दोनों का दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फिर आप बात समझिएगा बहुत ध्यान से, संसद के बारे में बहुत ध्यान से, पार्लियामेंट 79 से लेकर 122 तक का इसका उल्लेख है, जबरदस्त तरीके समझेंगे। तो संसद जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 79 में किसका उल्लेख है? संसद का ही उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 79 में संसद का ही उल्लेख है। और संसद के कितने सदन हैं? जब संसद के सदन की बात करें तो आप बता देना, सदन तो दो हैं, कौन कौन है भैया? दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, दो सदन संसद के हैं, ठीक है। लेकिन यही वे प्रश्न आप नोट डाउन करके लिख लेना, अगर जब आपसे पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं तो वहीं पे बताना तीन अंग हैं, कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति। तो कहने का तात्पर्य संदर्भ क्या है कि संसद के सदन की बात करें तो संसद के सदन की संख्या कितनी है? तो दो है, कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन जब संसद के अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्लियर है। तो अंग और सदन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अब बात समझिएगा बहुत प्यार से भाई साहब, बहुत जबरदस्त तुमको समझनी बात है। जो राज्यसभा है वो कैसा सदन है? वो ऊपरी सदन है। वो सदन कैसा है? ऊपरी सदन।
तो जब ऊपरी सदन राज्यसभा है तो सिंपल सी बात है निचला सदन कौन सा है, तो निचला सदन कौन सा है, तो निचला सदन याद रखिएगा क्या नाम है, लोकसभा। इतनी बात क्लियर हो गई, ऊपरी सदन, ऊपरी सदन राज्यसभा, निचले सदन लोकसभा, क्लियर है, नो डाउट। फिर बात समझिए भाई साहब, कौन सा सदन है जो स्थाई सदन है। स्थाई का मामला यह होता है कि यह सदन कभी भी भंग नहीं किया जाएगा, इस सदन का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, कहने का मतलब यह हमेशा रहेगा, तो वो है राज्यसभा, एक प्रकार से स्थाई सदन है। और यहीं पे बात कर लें लोकसभा की, तो लोकसभा कैसा सदन है, लोकसभा अस्थाई सदन है, कैसा सदन है, अस्थाई, यह कभी भी भंग किया जा सकता है, इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इतनी बात अभी समझो, अभी फिर इसके आगे बड़े अच्छे तरीके समझेंगे, क्यों, क्योंकि यहां बोर्ड भर रहा है, फिर अभी आगे बताते हैं। तो यहां पे आर्टिकल ध्यान देना, संसद के लिए आर्टिकल कौन सा, 79, सिर्फ 79। अब आप बताओ 79 में संसद हो गई, अब 79 से जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो पहले ऊपरी सदन मिलेगा, तो सिंपल सी बात पहले ऊपरी मिलेगा, तो आर्टिकल नंबर 80 में कौन सा सदन होगा, तो वो होगा राज्यसभा, क्लियर है। फिर यहीं पे बात कर लेते हैं लोकसभा, लोकसभा किस आर्टिकल में होगा, 81 में, तो लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में, और संसद है 79 में, संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, तो कुल मिला के आप तीनों आर्टिकल तो रट लिए, 79, 80, 81, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, सब बच्चे भाई साहब पढ़ेंगे, मजा आएगा तुमको, मैं बता रहा हूं गारंटीड मजा आएगा, समझ रहे। चलिए चलिए फिर बात करते हैं आगे एक तरफ, इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों को, है ना, क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट बेटा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे, यहां पे संसद हम लोग लिखते हैं, अब बहुत प्यार समझ में आएगा, ये जो संसद के बारे में हमने आपको बताया पूरा पूरा, इधर क्या है राज्यसभा, और इधर क्या भैया लोकसभा, इतनी बात क्लियर है, इधर है लोकसभा उधर है राज्यसभा, इतनी बात क्लियर। अब याद रखिएगा लोकसभा को एक सदन के नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। अब लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जितने भी विधेयक होते हैं, जितने भी बिल होते हैं, सबसे पहले कहां लाए जाते हैं, वो भाई साहब लोकसभा में लाए जाते हैं, इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्लियर है। फिर बात समझिएगा बहुत ध्यान से, जनता का सदन किसे कहते हैं, जनता का सदन, तो जनता का सदन भी किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। फिर अभी हमने एक बात तो आपको बताई है कि निम्न सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन, तो भाई साहब लोकसभा को कहते हैं। ये सारे नाम मतलब कहे जाते हैं, बता सकते हो आप, ठीक है। अब यही बात करते हैं, प्रथम सदन किसे कहते हैं, प्रथम सदन, तो प्रथम सदन भी लोकसभा को ही कहते हैं। प्रथम सदन क्यों कहते हैं, प्रथम सदन इसलिए कहते हैं भैया, क्योंकि यहां पर जो एक प्रकार से क्या होती है, कार्यवाही होती है, वो सबसे पहले कहां पे होते, विधेयक कहां पेश होते, भाई साहब वो प्रथम सदन में ही पेश होते हैं, क्लियर है। सर चल नहीं रहा है, बेटा चल तो रहा है, क्यों परेशान करो मेरे बालक। फिर बात समझना, राज्यसभा के बारे में बताना चाहता हूं, उसको प्रथम सदन कहते हैं, तो राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, कौन सा सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे ध्यान देना बहुत ध्यान से, उसको जनता का सदन कहते हैं, तो राज्यसभा को याद रखिएगा जनता के प्रतिनिधि का सदन कहते हैं, जनता के प्रतिनिधि का सदन। अभी मैं बताता हूं क्या रीजन है दोनों में, क्या फर्क है, जनता के प्रतिनिधि का सदन, फर्क बेटा बस इतना है कि इसमें जो सांसद चुनकर आते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट वोटिंग देते हैं, तो जो लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं, सिंपल सी बात है, जनता के द्वारा बनाया गया सदन है तो जनता का सदन। इसमें क्या होता है, जो सांसद या विधायक चुन लिए जाते हैं जनता के द्वारा, उनके द्वारा जिन व्यक्तियों को चुना जाता है, वो भाई साहब वो सांसद जाते हैं राज्यसभा में, वो राज्यसभा में जाते हैं, तो भाई साहब याद रखिएगा उसको इसीलिए कहते हैं जनता के प्रतिनिधि का सदन। और ये तो आपको पता ही होगा, प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है, अप्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दोनों डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे समझिएगा, अब बात समझिएगा बहुत प्यार से, क्या समझोगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। यहीं पर मैं बात कर लूं, अगर ब्रिटेन की बात करूं
तो ब्रिटेन में समझिएगा, ब्रिटेन, भारत में तो संसद कहते हैं, क्लियर होगी बात। अब बात आती है कि ब्रिटेन में लोकसभा को क्या कहते हैं, तो ब्रिटेन में लोकसभा को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स किसे कहते हैं भाई साहब, ब्रिटेन में लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, क्लियर है। अब राज्यसभा में क्या कहते हैं, राज्यसभा को कहते क्या है, कहां पर, ब्रिटेन में, तो याद रखिएगा हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है राज्यसभा को, कहां पर, ब्रिटेन में। हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है ब्रिटेन में लोकसभा को। इतनी बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से, इतनी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल मस्त तरीके से। फिर यहीं पे बात कर ले यूएसए की, कि अमेरिका में क्या कहते हैं इसको, तो अमेरिका में लोकसभा का याद रखिएगा, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। और यूएसए में राज्यसभा को क्या कहते हैं, सीनेट, सीनेट। इतनी बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी मजे से, ठीक है। फिर बहुत ध्यान से ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए कि भाई साहब गठन की बात कर लें, लोकसभा का गठन कब हुआ और राज्यसभा का गठन कब हुआ। तो जब लोकसभा के गठन की बात करते हैं तो याद रखिएगा 17 अप्रैल 1952 को, और जब राज्यसभा के गठन की बात करते हैं तो राज्यसभा के गठन की बात करते हैं तो याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952, और इधर बात कर लो 17 अप्रैल 1952। तो दोनों ये क्लियर हो गई। अब बात आती है प्रथम बैठक कब हुई, मतलब लोकसभा। तो आप ये बताओ लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा में पहले गठन किसका हुआ, तो आप जाहिर सी बात बता दोगे 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ तो पहले बना, और लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को, ये बाद में बना। अब ये बात कर ले प्रथम बैठक कब हुई, प्रथम बैठक लोकसभा की, तो याद रखिएगा प्रथम बैठक लोकसभा की 13 मई 1952। यहीं पे बात कर लें राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो राज्यसभा की भी प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952। तो आप दोनों तरीके, दो बिल्कुल एक एक प्रश्न बता सकते हो, एक एक प्रश्न बता सकते हो बिल्कुल फाड़ू तरीके से, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, शाबाश मेरे बच्चे, हाँ जबरदस्त। अगर हाँ, अब यहीं पे मैं बात कर लूं, एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि, प्रश्न ये पूछा गया कि लोकसभा या राज्यसभा की जो पहली बैठक है 13 मई 1952 है, सबको कंफर्म है क्योंकि दोनों का सेम है, ठीक है। आपको पता है जब स्वर्ण जयंती मनाई जाती है वो कितने साल में मनाई जाती है, स्वर्ण जयंती कितने साल में मनाई जाती है, मैटर ये करता है। तो याद रखिएगा स्वर्ण जयंती जो होती है वो भाई साहब 50 साल में होती है, स्वर्ण जयंती समारोह जो होता है वो 50 साल में होता है। इसका भी गठन 1952 में, इसका भी गठन 1952 में, तो सिंपल सी बात स्वर्ण जयंती समारोह कब होगी, तो सिंपल सी बात है 1952 में 50 साल आप जोड़ दो 2002 में, क्यों, क्योंकि 2002 का मतलब 50 साल अगर 1952 में हम ऐड कर रहे हैं तो 2002 आ गया, सिंपल सी बात है। तो स्वर्ण जयंती समारोह होता, ये हो गया संसद का पूरा मेन संरचना, मेन चीजें, मेन बातें। अब हम लोग बात करने वाले हैं सीटों की, ठीक है। तो आपको आर्टिकल पता चल गई यहीं पे, तो आर्टिकल का आप क्या ध्यान दिए, आर्टिकल आपने बहुत प्यार से ध्यान दिए, तो बात समझना एक बार फिर से, संसद किसमें, संसद है 79 में, और ऊपरी सदन कौन है, ऊपरी सदन राज्यसभा है, तो 80 में राज्यसभा है। फिर भाई साहब निचला सदन कौन है, लोकसभा, तो 81 में लोकसभा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई होगी फटाफट, आपको बिल्कुल नोट्स भी बना लोगे, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे संरचना देखो, 79 पता चल गया, 79 में क्या है, संसद का उल्लेख किया गया, 80 में क्या है, राज्यसभा का उल्लेख किया गया, 81 में क्या है, लोकसभा का उल्लेख किया गया। अब अगर मैं बात करूं 82 आर्टिकल में क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 82 आर्टिकल का, तो समझ लेना क्या है। आर्टिकल नंबर 82,
प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, पुनः समायोजन। कहने को मतलब समझे भाई साहब, बहुत प्यार समझिएगा। क्या समझ सकते हो? किसका समायोजन? लोकसभा तथा राज्यों में विधानसभा की सीटें होती हैं, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, असेंबली। इसका मतलब समझो क्या होता है। जैसे मान लो आज जनसंख्या भारत में सपोज दैट 1,00,000 है और एक सीट 1,000 जनसंख्या पे बनती है, तो 1,00,000 को 1,000 से अगर भाग दे दिया मैं, टोटल 100 सीटें निकल के आ गई। 100 सीटें निर्धारित हैं कि 100 सीटों पर चुनाव होते हैं। बट यहां पर एक मैटर यह करता है कि जैसे प्रत्येक जनगणना के बाद, तो यह लाइन यह बोलती है कि जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 साल में होती है, और प्रथम बार जो जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन वो लिखित रूप से नहीं थी, व्यवस्थित रूप से नहीं थी। 1881 में लाल रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। तो 1881 के बाद से प्रत्येक 10-10 साल में जनगणना होती चली आ रही है, जिसमें लास्ट टाइम 2011 में जनगणना हुई थी और इस साल 2021 में जनगणना होनी है। तो अभी 2021 का डाटा तो आया नहीं, तो इसलिए हम लोग 2011 की जनगणना का डाटा पढ़ते हैं, जिससे पूरा का पूरा प्रश्न समझ में आता है। तो कहने का तात्पर्य, प्रत्येक जनगणना के बाद अगर जैसे माना जाए भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, उसके आधार पे टोटल लोकसभा की मैक्सिमम सीटें आपको पता है 552 है, लेकिन वर्तमान में सीटें लोकसभा की 545 है। अभी सीटें कैसे बन जाती? ये सीटें इसलिए बन जाती है क्योंकि जनगणना का प्रभुत्व पड़ता है भाई साहब। लोग ज्यादा तो सीटें ज्यादा, लोग कम तो सीटें कम। तो आर्टिकल नंबर 82 यही कह रहा है कि ऐसा नहीं है फिक्स कर दिया गया कि लोकसभा में इतनी सीटें रहेंगी, बस इतनी छुपा के रख जाएंगी, काम खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 82 यही कहता है, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, मतलब अगर एक बार जनगणना होगी उसके बाद फिर चेक किया जाएगा, क्या जनगणना बढ़ी सीटें बनाने की आवश्यकता है, क्या जनगणना घटी सीटें घटाने की आवश्यकता है, बता सकते हो पैर से। इतनी बात सुन में आ गई? चलिए बस इतना ही तो समझना है यार, और क्या है ना, इसको रब कर देते, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको समझाने के लिए मैं बताता। अब मेरे बालक बहुत प्यार समझना, बहुत ध्यान से बात समझना। तो ये बात जैसे 2011 में जनगणना हुई थी, तो यहां पे आर्टिकल नंबर 82 के तहत एक लाइन बोल दी गई, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार 2026 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी। क्लियर है बात? तो आपको बड़े अच्छे समझ में, प्रश्न क्या क्या उठेंगे तो बात समझ लेना। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि जनगणना के बढ़ने पर सीटें बढ़ती हैं, जनगणना के घटने पर सीटें घटती हैं? तो अनुच्छेद 82, क्लियर हो गया। फिर ये प्रश्न कहा गया है किस सन तक का लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा की सीटें क्या रहेंगी, यथावत, सेम एज सेम, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो भाई साहब किस सन तक का? 2026 तक का। दो प्रश्न बने, किसकी किसकी सीटों में, लोकसभा और राज्य विधानसभा की। जैसे संसद के दो सदन, लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा को नहीं काउंट किया गया। उसी प्रकार राज्य में राज्य विधानमंडल के दो सदन, विधानसभा विधान परिषद, तो विधान परिषद को नहीं काउंट किया गया। इन दोनों की सीटों में
कोई वृद्धि कोई कमी नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? 2026 तक का। और यह बात कौन से संशोधन के तहत बोल दी गई? 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। तो आर्टिकल नंबर 82 बिल्कुल प्यार से समझ में आ गया होगा, मजेदार से समझ में आ गया होगा, नो डाउट। अब सीटें देख लेते हैं, अब सीटें देख लेते हैं जबरदस्त तरीके से। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब संरचना क्या डालते हैं? संरचना लोकसभा और यहां पे राज्यसभा, क्लियर है? बहुत बढ़िया, सब बस। फिर संरचना देखो भाई साहब, लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? पेपर में पहला प्रश्न आता है मैक्सिमम सीटें कितनी है, तो 552। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 545। तात्पर्य समझो दोनों का, जैसे प्रेजेंट टाइम, जैसे मान लो बच्चा मैं पढ़ा रहा हूं, 545 बच्चा पढ़ा रहा हूं, तो वर्तमान में है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आप मुझसे को सर जी आपकी क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे और अभी बैठ सकते हैं, तो मैं कहूंगा बेटा मेरे क्लास में 7 बच्चे और बैठ सकते हैं। कहने का मतलब है मेरी क्लास की जो सीटों की स्ट्रेंथ है टोटल वो 552 है, मतलब मैक्सिमम 552 बैठ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या पोजिशन है? 545 बैठे। तो ये पेपर में प्रश्न आता है लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो 552 हैं। लोकसभा की वर्तमान सीटें कितनी हैं? 545 हैं। आराम से आप बता सकते हो जड़, बिल्कुल गजब तरीके से, क्लियर है? फिर आगे बात समझो, वर्तमान में जो 545 है इसमें भी दो प्रकार की सीटें हैं, 543 और 2। अब 543 जो है वो कैसे हैं भाई साहब? वो निर्वाचित, और दो कैसे हैं? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय हैं मनोनीत। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर जी इसको हटा दिया गया, तो अभी तक चुनाव नहीं हुए तब तक हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, जब चुनाव हो जाएंगे तब हम आपको पक्का बताएंगे कि हाँ हटा दिया गया। अब ये आंग्ल भारतीय मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा इन दोनों सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। अरे 543, अब ये 543 निर्वाचित, तो सबसे पहले तो आप फर्क समझ लो निर्वाचित और मनोनीत का क्या होता है। भाई निर्वाचित का मतलब क्या होता है? निर्वाचित का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति, कहने का मतलब है जैसे मान लो क्या हुआ, क्लास है, क्लास में 100 बच्चे, 100 में मान लो एक है राम एक है श्याम, एक है राम एक है श्याम, क्लास में एक प्रकार से क्लास टीचर हूं, क्लास टीचर हूं। अब होता क्या है भाई साहब, मैं जब जाता हूं तो क्लास में शोर होने लगता, तब तक तो बच्चों ने कहा सर एक मॉनिटर नियुक्त कर दो जिसकी वजह से क्या हो, मतलब शोर वो तब तक कंट्रोल करता रहे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बताएगा, ये बात बोली गई। तो मैंने कहा ठीक है आई एम रेडी। तो राम और श्याम दो बच्चे हमने ऐसे उठाए कि इन दोनों में से किसी को मॉनिटर बना सकते हैं, दोनों बहुत डेडिकेटेड है, बहुत पढ़ने में अच्छे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं क्लास टीचर होने के नाते मैंने कहा आज से राम मॉनिटर हैं। क्या है? आज से राम मॉनिटर हैं। तो भाई साहब जो एक प्रकार से हम क्लास के मुखिया हैं, तो कहने का मतलब मुखिया के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया, किसी व्यक्ति को मनोनीत कर दिया गया, वो क्या कहलाता है? मनोनीत। इसके लिए कोई चुनाव ना, कोई झंझट नहीं। वहीं पे राम की गर्लफ्रेंड प्रियंका, कुछ भी मान लो भाई साहब, यहां पे कुछ आप सुन रहे नाम एज, ठीक है एज ए गॉड नेम मैं यूज कर रहा हूं, एज ए नेम यूज कर रहा हूं, कोई भी मान लो गर्लफ्रेंड है, उसने कहा वो तो खुशी मना रही है, लेकिन यहीं पे श्याम की गर्लफ्रेंड कुछ भी मान लो, तो जब श्याम की गर्लफ्रेंड मान लो वो बोल रही है अरे श्याम राम तो तुमसे कमजोर है, पढ़ता भी नहीं है, उसको मॉनिटर बना दिया सर ने, तुम में क्या कमी है? तो वो श्याम से बोलती है तुम विरोध करो, मेरी कुछ सहेलियां विरोध करेंगी और पूरी क्लास विरोध करेगी,
कि सर ये नाइंसाफी है, राम से ज्यादा तो श्याम को आता है। अब भैया श्याम के मन में बीज फूटा, अब जब दिमाग में बीज फूटा मामला यहां पे पेचीदा बन गया। श्याम ने तुरंत एक्शन लिया क्लास टीचर के लिए कि सर हाउ इज दिस, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आपने राम को मॉनिटर बना दिया, मैं भी तो उसके समकक्ष था। तो श्याम से क्लास टीचर ने पूछा क्या अब क्या हो सकता, तो उसने सर आपको चुनाव करवाने चाहिए थे, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आते वो व्यक्ति मॉनिटर बन जाता। तो क्लास टीचर के मन में बात आई, बिल्कुल सटीक बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, नो डाउट। तो अब क्या हुआ, श्याम ने जब अपना प्रपोजल रखा तो क्लास टीचर ने भाई साहब क्या क्या कि अब चुनाव होंगे, तो राम और श्याम मैदान में खड़े हो गए। तो जब राम और श्याम मैदान में खड़े हो गए तो भाई साहब अब वोट डालने कौन आएगा, इन 100 बच्चों मान लो दो व्यक्ति तो चुनाव वोट खड़े ही हैं, वोट तो अपना भी डालेंगे, यूज तो करेंगे ना, मतदाता है। तो भाई साहब 100 बच्चे वोट डाले, मान लो श्याम के पक्ष में वोट कितने गिर गए, श्याम के पक्ष में वोट गिर गए 63 और राम के पक्ष में वोट गिरे 37। अब यहां पे मामला क्या हुआ, तो आपको पता चला 100 में आधा कर दो कितना बचा 50, 50 प्लस 1 कर दो 51। तो कहने का मतलब है जो एक प्रकार से पास होने का क्राइटेरिया था वो पास हो गया, वो पास कौन कर ले गया, श्याम पास कर ले गए, राम नहीं पास कर पाए। तो इस अकॉर्डिंग श्याम मॉनिटर बन गए, लेकिन ये मॉनिटर किस तरह से बने तो आपको पता चल गया, निर्वाचित होकर मॉनिटर बने, इनका चुनाव हुआ। और चुनाव किसका होता, तो निर्वाचित 543 जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये इन लोगों को चुनाव कौन डालता है, भारत के वे नागरिक जिनकी उम्र 18+ है, 18+ जनता वोट डालती है। क्लियर हो गई। अब ये भी एक प्रश्न और बताना चाहता हूं पॉलिटिक्स का, पहले मतदान करने की उम्र पहले कितनी थी, मतदान की उम्र पहले कितनी थी, पहले भाई साहब 21 वर्ष थी, अब कितनी है, अब 18 वर्ष है। तो आप एक चीज देख रहे होगे भाई साहब 3 साल घटी है, 3 साल ऊंट क्या है, 3 साल उम्र घटी हुई है। तो कहने का मतलब है भाई साहब कि 3 साल उम्र घटी है 21 से 18, तो और आपको पता है संविधान में कोई भी चीज चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ बिना संशोधन के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न बनता है, कौन से संशोधन के तहत मतदान करने की उम्र, तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की उम्र 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई। बड़े प्यार से ये प्रश्न याद रखिए, और ये वाला कॉन्सेप्ट निर्वाचित और मनोनीत वाला तो समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये प्रश्न भी क्लियर, ये क्लियर, इधर समझा रहा था। तो ये निर्वाचित वाला जो मामला समझ में आया आपको, निर्वाचित वाला मामला जो समझ में आया, इसमें मतदान कौन करता, 18+ जनता करती है, 543 दो लोग आंग्ल भारती चुने जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। अब बात आती है दो लोग आंग्ल भारती कौन होते हैं, आंग्ल भारती शब्द का प्रयोग क्या है, तो आंग्ल भारती का मतलब आप ये समझो कि भारत में पहले पुर्तगाली अंग्रेज डच फ्रांसीसी सब लोग आए, ठीक है, और बाद में जब भारत आजाद हुआ तब लोग चले गए। तो हुआ ये कि भाई साहब जब सब लोग चले गए उसके बाद होता क्या है, होता यह है कि कुछ ना कुछ उनके ही परिवार के लोग यहीं भारत में रुक गए, उनको लगा कि यहीं पर अब रहेंगे, यहीं पर खाएंगे पिएंगे आराम से मौज काटेंगे। तो जब ये सब बातें हुई तो भाई साहब हुआ है मैटर ये कि जब वहां पे यहां पे रहने लगे इनके परिवार के लोग, तो जब परिवार के लोग यहां पे रहने लगे तो जब चुनाव की बात आती है, भारत के संविधान में तो लिखा ही है सभी को समान भ्रातत्व बंधुत्व की भावना है, यहां पर हुआ क्या, मामला इतना पेचीदा खराब हुआ कि भाई साहब इन लोगों को कोई भी, अगर ये लोग चुनाव में खड़े हो गए, मतलब जो अंग्रेज के वंशज थे वो लोग चुनाव में खड़े हो गए, तो सिंपल सी बात है इंडियन वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वोट, क्योंकि भाई साहब उनको यह लगता था कि ये जो वंशज हैं इन्होंने हमारे दादा दादी सबको मारा था, इसलिए
उनके वंशज ऊंट नहीं देंगे। तो जब ऊंट नहीं देंगे मामला ये बिछड़ जाएगा। इसीलिए इन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो जब प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो पाएगा तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो दो व्यक्तियों को क्या कर सकता है, आंग्ल भारतीयों को, दो आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है। क्लियर है? चलिए भाई साहब एक बात और बताना चाहते हैं। आप लोगों को हमने स्टैटिक जीके प्रोवाइड करा दिए। कौन सी जीके? स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके जो हमने प्रोवाइड करा दिए हैं तो पूरी पूरी स्टैटिक जीके आप वहां से कवर करो। 10 नंबर आपके वहां पक्के हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप चिंता मत करना, क्योंकि देखो मुझे कोर्स पढ़ाना अच्छे से खत्म करना। तो स्टैटिक जीके आप वहां से कवर कर लो मजे से, ठीक है? फिर बात समझना। तो इधर का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हमें समझ में आ गया, एक एक प्रश्न समझ में आ गया, नो डाउट। क्लियर है? फिर बात समझ लेना। क्या समझोगे? राज्यसभा में समझो, राज्यसभा मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। और 245 में दो भागों में बट गई, 233 और 12। 233 जो होते हैं भाई साहब वो कैसे होते हैं? वो मनोनीत होते हैं। और 12 जो होते हैं वो भाई साहब क्या होते हैं? सॉरी, ये 233 मनोनीत, 233 निर्वाचित होते हैं। बारह क्या होते हैं? 12 भाई साहब मनोनीत होते हैं। 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, ठीक है? स्टैटिक जीके की 23 क्लास है बेटा। 23 क्लास में तो धुआं धुआं कर दोगे ज्योति यादव। 23 क्लास में तो धुआं धुआं कर दोगे। अभी भी तुम बता रहे हो भाई साहब, तुम क्या चाहते हो? मास्टर साहब तुम्हारे राघव मास्टर मतलब 500 वीडियो बनाए तभी तुम पेपर फाड़ पाओगे? हाँ भाई साहब, तुम सब जगह पढ़े होगे लेकिन हमारे पास पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज ये याद रखना, पढ़ाता कम हूं लेकिन उसी में पूरा मामला खत्म हो जाता है। ज्यादा ये नहीं कूड़ा कचरा मैं पढ़ा कर रख दूं, फालतू का कोई फायदा नहीं होगा, है ना? तो वही वाला हाल है ना, पढ़ाता कम हूं, सॉलिड है, एक मिला के देख लेना, कुछ छूटेगा नहीं, फाड़ डालोगे, ठीक है? पेपर को जड़ से उड़ाओगे। कहीं से भी तुम कोर्स लेके पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप मेरे मुझसे पढ़ लोगे तो आपको पता है क्या लेवल है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, एज योर विश, ठीक है? चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। 233 जो निर्वाचित होते हैं और ये 12 लोग मनोनीत होते हैं, ये 12 लोग जो मनोनीत होते हैं भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 12 लोग होते कहां के? तो याद रखिएगा, साहित्य, कला, शिक्षा, समाज सेवा, इन सारे क्षेत्रों में जो व्यक्ति विशेष उपलब्धि प्राप्त करता है उसको भाई साहब राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्लियर है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई साहब राज्यसभा और लोकसभा दोनों का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भाई साहब लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो याद रखना, यूपी, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें है? 80। कितनी है? 80। और यहीं पे याद रखिएगा महाराष्ट्र की कितनी है? 48। और यहीं पे याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की 42, बिहार की 40, और जो 39 सीटें हैं वो तमिलनाडु की हैं। ये लोकसभा की शुरू के 5 राज्यों का डाटा आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पर हैं। वो यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39। क्लियर है? अब राज्यसभा का डाटा याद कर लो। राज्यसभा की सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो कहां पर हैं? यूपी 31, महाराष्ट्र में कितनी है? 19, तमिलनाडु में कितनी है? 18। क्लियर हो गई? ये भी आपको डाटा याद रखना है। और यहीं पे याद रखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल में कितनी है, बिहार और पश्चिम बंगाल में कितनी भैया? 16। तो ये पूरे की पूरी बात आपको पता चल गई होगी, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया।
अमनीत राजपूत वीडियो भले ही कम है लेकिन जितने भी हैं आइटम बॉम्ब है, बिल्कुल करेक्ट बात है। क्योंकि भाई साहब ये समझ लेना, मैं ज्यादा यार कूड़े पे विश्वास नहीं करता। कूड़े पे भरोसा रखो तो भाई साहब किताबें मार्केट में फैली हुई हैं, जाओ उनको उठा लो, उनको उठा लो। लेकिन टीचर के पास तुम क्यों आए हो? टीचर के पास इसलिए आए हो बिकॉज तुमको उन किताबों में से जो एक प्रकार से डायमंड मिलना हो, एक प्रकार से चीजें जो बेहतरीन तरीके से मिलनी हो वो प्राप्त करनी है। ठीक है, चलिए तो पूरा का पूरा तुमको आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। लोकसभा और इधर लगाते हैं राज्यसभा। अब बात आती है, बहुत ध्यान समझना भाई, क्या समझना, लोकसभा का अगर सदस्य बनना है किसी को, सदस्य बनना है लोकसभा का, सांसद बनना है, तो उसके लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? तो याद रखिएगा मिनिमम आयु चाहिए 25 साल। और यहीं पे राज्यसभा का किसी को सांसद बनना है तो मिनिमम आयु कितनी चाहिए? राज्यसभा का सांसद बनने के लिए उम्र चाहिए 30 साल और लोकसभा का बनने के लिए 25 साल। इतनी बात क्लियर है। फिर बात याद रखिएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भैया? 5 साल। और यहीं पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। हर एक प्रश्न में मजा है, हर एक प्रश्न का समझ में आओ, हर एक प्रश्न का तुम्हें समझ में आएगा। ठीक, अब बात समझ लेना बहुत ध्यान से। ज्योति यादव सर पास करवा दीजिए, पास करवा तो देखने, बट कहने का मतलब है मेहनत तो करो, है कि नहीं? फिर बात समझिए बहुत ध्यान से। राज्यसभा एक प्रकार से कैसा सदन है? राज्यसभा एक प्रकार से स्थायी सदन है। अब स्थायी सदन तो है, क्यों है? तो याद रखिएगा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसीलिए यह सदन कैसा है? स्थायी सदन है। और साथ में कौन सा सदन ऐसा है जिसका विघटन किया जा सकता है? तो विघटन भाई साहब किसका किया जा सकता है? विघटन लोकसभा का किया जा सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? समझ में तो आना ही है यार, है ना? चलिए जबरदस्त मेरे बच्चे। अब याद रखिएगा बहुत ध्यान से, कुछ पॉइंट हैं जो याद रखिएगा बहुत प्यार से। कोई सदस्य 60 दिन लगातार संसद नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। क्या हो जाती है? रद्द हो जाती है। पेपर में प्रश्न आता है कितने दिन तक नहीं जाता है, तो आप बता सकते हो 60 दिन तक। क्लियर हो गई बात? इतने सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है? चलिए साक्षी मिश्रा वैष्णवी सर बहुत बढ़िया, सब बच्चों को समझ में आ रहा है यार? समझ में आनी चाहिए, और क्या चाहिए, है ना? फिर और याद रखिएगा, और क्या प्रश्न आता है? एक शब्द पूछा था यहाँ पे गणपूर्ति का, वो महत्वपूर्ण है। गणपूर्ति का प्रश्न क्या आता है भाई साहब? याद रखिएगा गणपूर्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरम, कोरम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है किसी बैठक
की कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्य का होना। अब कितना न्यूनतम रखा गया है, तो 1/10 सदस्य। तो आप समझ सकते हो जैसे लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा में सदस्य 545 हैं, 545 का अगर 1/10 करो तो 54.5 आता। अब ऐसा तो नहीं 54 और आधा आदमी ले आओ, तो 54.5 मतलब आप कह सकते हो कि भाई साहब 54.5 का मतलब हो गया कि 55 आदमी होने चाहिए अगर किसी की चीज की कार्यवाही चलनी है। राज्यसभा में 255 होता है तो सॉरी 245 होते वर्तमान में, तो 245 का अगर 1/10 निकालो तो 24.5 होता, 24.5 तो आधा तो बेच लाएंगे नहीं, तो हम लोग 25 आदमी होने चाहिए अगर उसको एक प्रकार से क्या करना है, एक प्रकार से कार्यवाही वहां की चलनी है। तो क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप। चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त, समझ में आ रहा है बिल्कुल यार, बस तुमको समझ में आना चाहिए होती चाहिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते भाई साहब, बहुत प्यार से समझिएगा। तो समझना क्या है, 82 नंबर पहले बता दिया था, 83 आर्टिकल में दोनों सदनों की अवधि है, 84 में क्वालिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां बात समझिएगा, आर्टिकल 85 क्या है। आर्टिकल 85 में बोला गया संसद के सत्र, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही सब आज बता रहे हैं आपको, संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। अब सबसे पहले तो पेपर में प्रश्न आता है संसद के सत्र, और तीनों चीजों के बारे में एक ही आर्टिकल केवल चूज किया गया, कौन सा आर्टिकल 85, तीनों चीजों। तो जो संसद के सत्र की बात चल रही है भाई, तो यहां पे जो सत्र की बात चल रही है, सबसे पहले पेपर प्रश्न ये आता है सत्र से, सत्र कितने हैं संविधान में, तो याद रखिएगा संविधान में सत्र का उल्लेख जो है तीन सत्रों का उल्लेख है, एक बजट, एक मानसून और एक शीत। तो पेपर में प्रश्न आता है भैया बहुत प्यार से, क्या आता है, चार ऑप्शन दे देगा आपके पास, बजट, मानसून, शीत और ग्रीष्म। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्र नहीं है, तो आप बता सकते हो बजट है, मानसून है, शीत है, ग्रीष्म नहीं है। लेकिन हमसे गलती क्या होती है, अरे मानसून है, बारिश वाला है, ठंडी वाला है और गर्मी वाला होगा, बजट वाला नहीं होगा। लेकिन ये तीन बजट, ये तीन सत्र होते हैं, ग्रीष्म नहीं होता है। जो बजट सत्र की शुरुआत होती है उसकी शुरुआत भाई साहब कब होती है, फरवरी माह में। मानसून की शुरुआत किस माह में होती है, जुलाई में। और शीत सत्र की शुरुआत जो होती है वो भाई साहब नवंबर महीने में। तो ये भी आपको याद रखिएगा। सत्र अवसान किसे कहते हैं, सत्र अवसान, तो भाई साहब अगर सत्र अवसान का अगर आप संधि विच्छेद करो तो सत्र प्लस अवसान। अवसान का अर्थ होता है रोकना, अवसान का अर्थ होता है रोकना। इसका मतलब समझो वो ध्यान से, क्या समझोगे कि भैया सत्र की कार्यवाही चल रही, मान लो कोई जैसे अभी कोरोना आ गया अचानक से, जैसे मान लो कोरोना मार्च में आया, बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र हो, अब ऐसा तो नहीं कोरोना वायरस के बीच में काम चलते रोके, वहीं पर तुरंत रोका गया, मतलब वहीं की वहीं कार्यवाही उसी सत्र में रोक देना। अब यह कार्यवाही उस सत्र में नहीं चलेगी, अगले सत्र में पार कर जाएगी। कहने मतलब है उस सत्र की कार्यवाही को अगले सत्र में लेकर जाना, तो वही कहलाता है सत्रावसान। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्रावसान में बहुत अच्छा पेपर प्रश्न बनता है, किन्हीं दो सत्रों के मध्य, किन्हीं दो सत्रों के मध्य 6 माह से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्लियर है, तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं भी बस समझ में आ गई होगी।
इसमें मानसून सत्र चला है बिल्कुल यार, है ना। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सत्रह औसान एवं विघटन ये कर्ता कौन है, तो ये दोनों चीजें कर्ता कौन है तो याद रखिएगा पी। पी का मतलब आप समझ रहे होंगे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो पेपर में आएगा। अब एक चीज बताओ सत्रह औसान किन दो सदनों किस सदन का होता है, तो याद रखिएगा सत्रह औसान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है सत्रह औसान, ठीक है। अब विघटन क्या होता है तो विघटन समझो, विघटन का मतलब डिससॉल्व और सत्रह औसान का मतलब प्रोग्रेगेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात समझो विघटन का मतलब क्या, विघटन से तात्पर्य क्या आपका। जैसे अब क्या हुआ, जैसे मैं मान लो ये क्लास में पढ़ा रहा हूं, ये क्लास में ए मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और यहां पर अंबुज सर पढ़ा रहे हैं बी में, यहां पर राघव सर पढ़ा रहे हैं, यहां पर अंबुज सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चल रही बैठक चल रही अपना, ये वाली सत्र कैसी है, ये वाला भाई साहब है लोकसभा और ये वाली है राज्यसभा। किसी कारण और मान लो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि अब ये बच्चे बहुत शैतानी करने लगे एक क्लास वाले, तो मुझे गुस्सा आ गई, मैंने शिकायत ठोक दी किससे, जो कोचिंग के हेड हैं प्रेसिडेंट से। मैंने कहा ये क्लास वाले बहुत बदतमीज हो गए हैं, अब मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा, अब जो पढ़ाऊंगा वो जो नए बच्चे आएंगे उनको पढ़ाऊंगा। तो प्रेसिडेंट गए, उनका लोकसभा आज से विघटित की जाती है, मतलब अब यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं पूरा पूरा काम खत्म, अब जो भी बच्चे आएंगे जो भी सदस्य आएंगे सबके सब नए आएंगे। तो इसलिए हमने बताया था लोकसभा का विघटन होता है लेकिन राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो इस प्रकार ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आप यहां समझने वाली है, विघटन होता किसका, तो याद रखिएगा ओनली फॉर लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ किसका विघटन होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन होता नहीं। विघटन करता कौन है, तो विघटन करता है राष्ट्रपति, ठीक है। विघटन अगर हो गया तो वो वाली पूरी पूरी लोकसभा पुरानी वाली समाप्त, अब जो लोकसभा आएगी वो पूरी पूरी नए सदस्यों के द्वारा चुन कर आएगी, पुराना वाला कोई सदस्य यहां पर नहीं रहेगा। तो ये होता है विघटन का तत्पर। तो आपको तीनों सदस्य में आ गए, तीनों पेपर में प्रश्न आता है विघटन कौन करता है, सत्रह औसान कौन करता है। अब एक यहीं पर टर्म समझ लो, स्थगन। स्थगन क्या है, तो भाई जब स्थगन का मतलब यह, जैसे मान लो इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं राघव सर, बगल वाली क्लास में अंबुज सर पढ़ा रहे हैं। अब मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं या कुछ, मतलब मेरे पास फोन आ गया, मैंने कहा कुछ देर के लिए इस क्लास को मैं रोक रहा हूं। अब वो कुछ देर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हो कुछ समय के लिए कार्यवाही रोकना। लेकिन यहां पे निश्चित समय बता दिया जाएगा, हम पांच मिनट के लिए जा रहे हैं, दस मिनट के लिए जा रहे हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब एक दिन यहां पे कार्यवाही रोकी जा रही। तो यह कार्यवाही स्थगन किसके द्वारा किया जाएगा, अगर लोकसभा में बैठक चल रही होगी तो लोकसभा में स्पीकर के द्वारा मतलब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा में चल रही होगी तो राज्यसभा के सभापति अर्थात चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, तो याद रखिएगा वेंकैया नायडू प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के सभापति भी हैं। लोकसभा के जो एक प्रकार से जो चेयर स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, अर्थात इस समय प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला है। तो याद रखिएगा स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, स्थगन भाई साहब दोनों सदनों में होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों में। लेकिन जब लोकसभा में स्थगन करने की बात आएगी तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा और जब राज्यसभा में करने की बात आएगी तो राज्यसभा का सभापति करेगा, मामला फिट। आराम जाए, चलिए फिर यहीं पे बात बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। यही स्थगन जब निश्चित है तो स्थगन कहला रहा है। लोकसभा में कौन करता है स्थगन, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में कौन करता है, राष्ट्रपति।
नहीं उपराष्ट्रपति, मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। यहीं पे याद रखिएगा, अगर स्थगन अनिश्चित समय के लिए कर दिया जाए, मतलब ये ना बताया जाए कि इतनी देर के लिए कार्यवाही को रोका गया अनिश्चित समय के लिए, तो जब अनिश्चित समय के लिए आप कर दो स्थगन, तो भाई साहब अनिश्चित समय के लिए उस शब्द को क्या कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं साइन डाई। साइन डाई वर्ड का हम लोग उपयोग कहां करते हैं, जब कार्यवाही को अनिश्चित समय के लिए किया जाता है तो वो साइन डाई कहलाता है, और जब भाई साहब निश्चित समय के लिए वो स्थगन कहलाता है और लोकसभा में स्पीकर करता है, राज्यसभा में चेयरमैन करता है। तो इस प्रकार आर्टिकल नंबर 85 चारों टर्म पूरा क्लियर हो गया, जो आपके पेपर में वन डे एग्जाम को फाड़ देंगे। भाई साहब जिनको पीसीएस के लिए तैयारी करना है वो त्रिशूल बैच में जाएंगे, यहां पे त्रिशूल बैच नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ वन डे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, इतनी बात सुनना, पूरे के पूरे टर्म बिल्कुल दिलो दिमाग में छप गए होंगे, एक बार कमेंट करके बता दो भाई साहब मजा आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बात करूं अपनी। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, बेस्ट नहीं, बहुत मजा आ रही, क्या बात है। चलिए सब क्लियर हो गया, आर के घोला आई एस के वन, आई एस के वनडे के लिए नहीं है। ठीक है, देखो यार मुझे एक असल में क्या ना, मैं जो अध्यापक हूँ मैं पीसीएस पढ़ाता हूँ, मैं पीसीएस का अध्यापक हूँ, बट मुझे वनडे एग्जाम का बहुत ये मान लो अनुभव हो गया कि पेपर कैसे निकलवाना है, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, बस उसी के लिए इनफ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य भाई साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बातें होंगी सच्चाई होंगी सामने होंगी, लेकिन जो आप यहाँ पे वन डे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो वो आपके सारे क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर भाई साहब बहुत ध्यान समझिएगा, क्या समझोगे आप मजा आ जाएगा। स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष और यहां पर बात करते हैं सभापति चेयरमैन की बात, ठीक है दोनों की बात करते हैं, तो बात समझिएगा, लोकसभा अध्यक्ष चाहे अध्यक्ष की बात करें चाहे उपाध्यक्ष की बात करें, एक होता है अध्यक्ष एक होता है उपाध्यक्ष, दोनों होते भाई साहब। जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष काम करेगा, और जब सभापति नहीं होंगे तो उपसभापति काम करेगा, वाइस चेयरमैन। ठीक है, अब बात समझिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 93 में दोनों पद आ जाते हैं, और यहीं पे सभापति उपसभापति ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 89 में सभापति उपसभापति, 93 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। यहां से प्रश्न क्या आते हैं भाई साहब, लोकसभा का प्रमुख क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष काम करेगा, और याद रखिएगा जो अध्यक्ष होता है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, प्रकार से याद रखिएगा अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, और जो उपाध्यक्ष होगा भाई साहब अपना त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। क्लियर होगी बात, यही पे थोड़ा सा जस्ट उल्टा भाई साहब, जो यहां पे सभापति की बात करता है, जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति होता है, जो यहां पे उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति ही तो सभापति होता है। अब यहां पे ये गलती कर देना कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपसभापति को दे देता है, तो जो सभापति होता है ना वो अपना त्यागपत्र पता किसको देता है, वो भाई साहब देता है राष्ट्रपति को, क्योंकि आपको पता होगा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। भाई साहब है तो वो उपराष्ट्रपति सिर्फ कार्य कर रहा है राज्यसभा का सभापति बन के, वेतन किस रूप में मिल रहा,
सभापति के रूप में। इतनी बात क्लियर। अब इतनी बात समझ में आ गई, त्याग पत्र का पेपर में प्रश्न आता है लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को, वहां पे सभापति किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, लेकिन उप सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो याद रखिएगा सभापति को। केवल अपवाद आपने चारों में देखा होगा, सिर्फ आपको अपवाद एक सिर्फ मिल रहा सभापति, सभापति किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, अमन सिंह क्या आप पोस्टेड हो? बेटा मैं पोस्टेड था ऑलरेडी, सिविल कोर्ट में था, जूनियर असिस्टेंट के पद पे मैं कार्यरत था और मैंने वहां पे जॉब रिजाइन कर दी। 6 अक्टूबर 2020 की मेरी जॉब रिजाइन है, मैं टीचिंग लाइन में पूरी तरह उतर गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑफलाइन तो पढ़ाता था बट ऑनलाइन में 6 अक्टूबर 2020 से मैं पूरी तरह पढ़ाने लगा। ठीक है, डेडिकेटेड आ गया। ऑफलाइन का तो बहुत बेहतरीन, मुझे लगता था मैं ऑनलाइन का बेस्ट टीचर नहीं बन सकता, ऑफलाइन में तो लोग जानते थे, ऑफलाइन में तो बच्चे पसंद करते थे, बट मुझे ऑनलाइन में नहीं पसंद करते थे। ऑनलाइन में पसंद क्या यार, डर लगता था जानते ही हो, बट मैं आया तो लोगों का प्यार मिला, अच्छा लग रहा है ना, और प्यार दोगे और अच्छा लगेगा। तो जितना भी जो जहां से जुड़ा है ना, बस अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना करिया करो, मेरी यूट्यूब की वीडियो है उनको आप फैलाया करो, बस इससे ज्यादा और क्या कर सकते यार, है कि नहीं? थोड़ा सा आप सपोर्ट करोगे, आपके अभी जैसे मान लो यहाँ पे कितने 600 लोग पढ़ रहे हैं, आपका सपोर्ट होगा, यहाँ पे 6,000 लोग पढ़ेंगे ऐप पर। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ अपने जी हमने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, 1.5 साल हमने जॉब भी की है, 1.5 साल मैंने जॉब भी की है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब पेपर में प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शपथ कि अगर बात करें तो याद रखिएगा शपथ नहीं होती इनकी। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता ना, वो लोकसभा के सदस्यों में से ही बन जाता है, वो लोकसभा के सदस्यों में ही बन जाता है। और याद रखिएगा इन सदस्यों में ये लोग पहले ही शपथ लेकर चले आते हैं सदस्य, लोकसभा के सदस्य, तो ये भाई साहब बाद में शपथ इनकी होती ही नहीं, बाद में इनकी शपथ होती ही नहीं, वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो बन जाते हैं इस फॉर्म में ये शपथ नहीं लेते, ये लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लेते। और आपको पता है ये जो उपराष्ट्रपति है भाई साहब, ये उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति इसको शपथ कौन दिला देता? राष्ट्रपति दिला देता आर्टिकल नंबर 69 के तहत। क्लियर है? चल इतनी बात समझ में आ गई। फिर यहीं पर प्रश्न आता है पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, पेपर में पूछा जाएगा, तो पहला लोकसभा अध्यक्ष याद रखिएगा जीवी मावलंकर, जो पेपर में पूछा था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है सर, आप बहुत लोगों की जिंदगी बदलने के लिए सर, थैंक यू, लव यू सब, आप सबका प्यार है यार बस। ठीक है, बहुत लोगों को लगता कि यार पता है यहाँ पे जो ऐप पर मैं पढ़ा रहा हूँ फीस ले रहा हूँ, आप खुद देख रहे हो भाई साहब इसके लिए मैं अलग से मेहनत कर रहा हूँ साथ में, भाई साहब ऐप पे अगर जैसे थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो एक प्रकार से ये आप सोचो कि यार जैसे खर्चे हैं एक प्रकार से वो मैनेज होते हैं, तो साथ में थोड़ा सा फिर एक सीरियस स्टूडेंट का पता नहीं चल पाता, पता है आपको रियलिटी सीरियस स्टूडेंट का पता नहीं चल पाता यार। YouTube पे बहुत सारे लोग आते चले जाते हैं, बहुत सारे पढ़, लेकिन एक जगह आप डेडिकेटेड होके पढ़ लो ना, बिल्कुल सफलता तय है यार, ये मान लेना। ठीक है, ऑनलाइन मैंने ऑफलाइन पढ़ा नहीं, अच्छा ऑनलाइन पढ़े हो, ऑफलाइन नहीं पढ़े हो आपसे, बट उसमें तो और मजा आ जाता है, बिल्कुल यार, जो व्यक्ति मुझसे ऑफलाइन पढ़ता है तो उनसे मिलना है ना। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर यही बात कर ले पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अनंत संयम अयंगर, अनंत संयम अयंगर। ये पहले उपाध्यक्ष और ये पहले अध्यक्ष, वो पहले उपाध्यक्ष। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। फिर मेरे बच्चे यहां पे प्रश्न आता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष थे, कहने मतलब राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर भी बन चुके, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुनाव जीत गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। और यहां पे प्रश्न भी बन गया कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुनाव जीते थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो
राष्ट्रपति और स्पीकर दोनों रह चुके, आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। फिर याद रखिएगा, पहली लोकसभा अध्यक्ष, मतलब पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, सबको पता होगा, वर्तमान में तो ओम बिरला ही है। पहले महिला कौन है? पहली महिला है भाई साहब मीरा कुमार। यहां सभापति में तो बताने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं बताने की आवश्यकता? क्योंकि भाई साहब पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले जो उपराष्ट्रपति रहे होंगे वही, तो आपको पता है राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, तो पहले राज्यसभा के सभापति भी थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति तो आप बता सकते हो वेंकैया नायडू हैं, और यही प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति भी हैं 13वें नंबर के। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। देखो मैं ज्यादा बात करने करता हूं, बस इतना बात करना चाहता हूं, अगर मैं इसको इस टॉपिक को खींचता तो इस टॉपिक को खींचने के लिए कम से कम एक हफ्ता था, इतना ज्यादा डीप में चले जाऊं, बहुत सारे आर्टिकल थे, बट सारे अपने आर्टिकल को यहां पे काट दिया। क्यों? क्योंकि यहां हो सकता नहीं, यहां हो सकता सिर्फ है इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने की, वही चीज पढ़ाऊंगा। कुछ आर्टिकल आए ऐसे, जैसे अभी धन विधेयक को देख के बारे में बता दूंगा, वो अलग से बता दूंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार आपको ये पूरा का पूरा मामला समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से। आज की क्लास पूरी दमदार तरीके से समाप्त हो गई, और मैं बताना चाहता हूं अगर आज की आपको क्लास समझ में आई होगी तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, स्टडी पाई एप्लीकेशन पे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और जितने भी साथी हैं उनसे बताओ कि भाई साहब अगर पढ़ना हो अभी भी बैच को ज्वाइन कर लो, स्टडी पाई ऐप पे बहुत अच्छी पढ़ाई आपको मिलेगी। साथियों विदा लेने का वक्त आ गया है।